गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर बायोलॉजी क्लास। डियर स्टूडेंट, हमने अपने पिछले लेक्चर में यस्टरडे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्क्राइब किया था। आज हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। कहाँ पे? टेस्टिस के अंदर एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। मैंने आपको बताया था कि टेस्टिस जो है उसके बाहर लेयर होती है, उसको सराउंड करके एक लेयर होती है जर्मिनल एपिथीलियम की। स्पर्मेटोगोनियल सेल होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, जो कि माइटोटिकली डिवाइड करते हैं। कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो है एज स्टेम सेल बिहेव करते हैं और बाकी स्पर्मेटोगोनिया जो हैं वो फंक्शन करते हैं प्रीकर्सर्स ऑफ स्पर्मेटोजोआ, यानी स्पर्मेटोजोआ को बनाने में हेल्प करते हैं। ये जो स्पर्मेटोगोनिया हैं दे अंडरगो चेंजेस। सबसे पहले ये फूड मटेरियल अकमुलेट करेंगे, अपने साइज से ऑलमोस्ट डबल ग्रो करेंगे और फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएंगे। हर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न में जाएगा तो दो हैप्लोइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना देगा। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो हैं सेकेंड मियोटिक डिवीज़न में जाएंगे, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ फोर इक्वल साइज्ड हैप्लोइड स्पर्मेटिड्स। ये चार स्पर्मेटिड्स बना देंगे। अब जो स्पर्मेटिड्स हैं दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्म्स हेड्स जो हैं वो सर्टोली सेल में एम्बेडेड हो जाते हैं, क्योंकि सर्टोली सेल जो हैं डेवलपिंग स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देते हैं और अल्टीमेटली रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। अगर आपको इसका फ्लो चार्ट दिखाया जाए तो कुछ इस तरह से है स्पर्मियोजेनेसिस का फ्लो चार्ट। इसमें देखें स्पर्मेटोगोनिया जो हैं प्यूबर्टी के टाइम पे स्पर्मेटोगोनिया जो कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है ग्रो करेगा और अपने साइज में डबल हो जाएगा, माइटोटिक डिवीज़न में जाएगा और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स को बनाएगा। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं वो भी डिप्लॉयड ही होते हैं हैप्लॉयडी लेवल के हिसाब से। अगर देखें ये फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न में जाएंगे और हैप्लोइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना देंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो हैं वो सेकेंड मियोटिक डिवीज़न में जाएंगे, स्पर्मेटिड्स बना देंगे और स्पर्मेटिड जो हैं फिर फोर स्पर्मेटोजोआ में जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। इस तरह से स्पर्मेटोजोआ फोर स्पर्मेटोजोआ बन जाएंगे लास्ट में। तो ये स्पर्मेटियोजेनेसिस प्रोसेस होती है। अब हमारे पास आता है हार्मोनल कंट्रोल, कि हार्मोन किस तरह से इस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। हार्मोनल कंट्रोल सबसे पहले क्या होगा, जब भी स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएट होती है तो गोनेडोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH जो हैं उनकी सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती है हाइपोथैलेमस से, और ये प्यूबर्टी के टाइम पे होता है GnRH की। अब ये जो GnRH गोनेडोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन है इनका इंक्रीज्ड लेवल जो है ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है और एंटीरियर पिट्यूटरी को टू गोनेडोट्रॉफिन रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करता है, एक LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH जो है ये लेडिक सेल पे एक्ट करेगा और FS जो है वो सर्टोली सेल्स पे एक्ट करेगा। LH लेडिक सेल पे एक्ट करेगा और उसको टेस्टोस्टेरोन रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करेगा इन सेल्स को, जबकि जो FSH है वो सर्टोली सेल्स पे एक्ट करेगा और कुछ फैक्टर्स की सिक्रीशन में हेल्प करेगा जो स्पर्मियोजेनेसिस की उसमें हेल्प करते हैं प्रोसेस में। एक ये एक ABP फैक्टर्स हैं और इन्हीं बिन
इन्हीं बिन की ज़रूरत तब पड़ेगी, इन्हीं बिन जो है जब हमें इस इन हॉर्मोन्स की ज़रूरत नहीं है, अकमुलेट हो गई हमारे पास ज़रूरत के हिसाब से, तो इन्हीं बिन जो हाइपोथैलेमस को मैसेज देगा कि अब ये प्रोसेस रुक जानी चाहिए। ये आपको पता ही है कि हॉर्मोनल कंट्रोल आपने अपने प्लस वन में भी पढ़ा था कि किस तरह से फीडबैक मैकेनिज़्म मिलता है। जब हमें ज़रूरत नहीं होती उसके बाद हॉर्मोन की सिक्रीशन जो है वो रुक जाती है। ये हॉर्मोनल कंट्रोल हो गया। फिर आपके पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, कि स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्पर्म का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो हेड, नेक, मिडल पीस, टेल, ठीक है, ये होंगी मेन। होल बॉडी जो है स्पर्मेटोजोआ की एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फोर पार्ट्स मैंने बता दिए, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। हेड जो होता है ये एक इलोंगेटेड पार्ट होगा, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा जिसमें डीएनए होगा। एंटीरियर कैप जो है हेड की, उसमें वो एक्रोसोम कहलाती है, एंड एक्रोसोम कंटेन एंजाइम्स विच हेल्प इन डिजॉल्विंग मेम्ब्रेन्स ऑफ द ओवम फॉर फर्टिलाइजेशन। फिर आती है नेक, नेक में दो सेंट्रियोल्स होते हैं, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो कि फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन ऑफ जायगोट के लिए नेसेसरी होता है, और डिस्टल सेंट्रियोल होता है जो टेल फिलामेंट को कनेक्ट करके रखता है। फिर आता है मिडल पीस, मिडल पीस जो है इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। फिर आती है टेल, टेल जो है ये एक्सियल फिलामेंट कंसिस्ट करती है, एक्सियल फिलामेंट जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, और टेल का काम होता है टू मूव द स्पर्म इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक टुवार्ड द फीमेल गैमेट्स दैट इज ओवम फॉर फर्टिलाइजेशन। इस तरह से हमारे पास स्पर्म का स्ट्रक्चर आ गया। अब हमारे पास आता है ऊजेनेसिस, ऊजेनेसिस की प्रोसेस आती है। अब ऊजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन के बाद एग फॉर्मेशन को हम स्टडी करेंगे, तो एग फॉर्मेशन में ऊजेनेसिस प्रोसेस कहलाती है। ये ऊजेनेसिस प्रोसेस जो है इसमें फीमेल गैमेट्स बनते हैं, ओवा इन द ओवरी। ऊजेनेसिस जनरली जब फीमेल फिटस एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तभी से ये स्टार्ट हो जाती है। सारे ऊगोनिया, लगभग ए मिलियन ऑफ ऊगोनिया होते हैं ओवरी के अंदर ऑफ द फीटस ऑफ 25 वीक्स। एक 25 वीक्स का फीटस होगा, फीमेल फीटस, उसमें लगभग 1 मिलियन ऊगोनिया ओवरी के अंदर होंगे। कोई भी ऊगोनिया जो है इसके बाद बर्थ के बाद नहीं बनता। ऊगोनियल सेल जो हैं जो मियोसिस वन में एंटर करते हैं वो प्राइमरी ऊसाइट हैं, लेकिन ये डिवीज़न जो है वो सस्पेंडेड रहती है प्रोफेज वन में, और बाकी सारे सेल जो हैं वो फॉलिकल सेल जो हैं वो बन जाते हैं एंड फॉरगॉट द पोटेंशियल ऑफ फॉर्मिंग ओवा। फिर प्राइमरी ऊसाइट जो हैं दे बिकम, उनके बाहर एक लेयर सराउंडेड हो जाती है, बन जाती है, जिसको हम कहते हैं ग्रेनुलोसा लेयर या फॉलिकुल ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर। इन अब ये जब ये लेयर बन गई ग्रेनुलोसा तो ये बन गया हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल। अब ए लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल डीजनरेट हो जाते हैं बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले ही बहुत सारे फॉलिकल डीजनरेट हो जाते हैं जिसको हम फॉलिकुलर एट्रेसिया कहते हैं, और ये बहुत बार पेपर में आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फॉलिकुलर एट्रेसिया। तो लगभग 60,000 to 80,000 ही ओवरी में बचते हैं मिलियन में से। अब प्राइमरी फॉलिकल जो हैं वो बहुत सारी लेयर से सराउंडेड हो जाते हैं, और एट दिस स्टेज अब उनको हम सेकेंडरी फॉलिकल्स कहते हैं। ओवरी में अगर हम देखें तो इस तरह से डिफरेंट स्टेजेस में जो है वो फॉलिकल्स आपको दिखेंगे।
फॉलिकल्स जो हैं डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस में पाए जाते हैं, और लास्ट वाला जो फॉलिकल होता है उसको हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम वो है जब ग्राफियन फॉलिकल से एग रिलीज हो जाता है तो एक येलोइश कलर की बॉडी बच जाती है, मास बच जाता है, जिसको हम कि कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। इसके बाद आपके पास अगर हम डायग्रामेटिकली देखें इस प्रोसेस को फ्लो चार्ट के रूप में, तो जैसे ही डेवलपमेंट कंटिन्यू रहती है तो सेकेंडरी फॉलिकल में एक कैविटी डेवलप हो जाती है, एंट्रम, जिसमें फ्लूइड भरी होती है, लिक्वर फॉलिकुलाई। अब ये आपका फ्लो चार्ट है कि फिटल लाइफ के दौरान ओगोनिया माइटोटिक डिफरेंशिएशन में जाएंगे, इनमें डिप्लॉयडी लेवल ही रहेगा, ये प्राइमरी ओसाइट की फॉर्मेशन कर देंगे बर्थ के टाइम पे चाइल्डहुड में प्यूबर्टी में, और ये फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न इनकी प्रोफेज में ही सस्पेंड हो जाती है, रुक जाती है। फिर पोलर बॉडी भी बनती है एक साथ में। एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ जब आती है तब ये सेकेंड पोलर बॉडी यानी सेकेंड मियोटिक डिवीज़न में जाएगा और सेकेंडरी ओसाइट बनाएगा, एक पोलर बॉडी और बनेगी और एक फंक्शनल ओवम बनेगा। इस तरह से ओजेनेसिस की प्रोसेस होती है। अब जैसे ही टर्शरी फॉलिकल जो है सेकेंडरी से के बाद फिर टर्शरी फॉलिकल बनता है, टर्शरी फॉलिकल जैसे ही बनता है इसकी डेवलपमेंट कंटिन्यू रहती है। अब सेकेंडरी ओसाइट साइज में ग्रो करता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म हो जाता है इसका। टर्शरी फॉलिकल जो है वो मैच्योर फॉलिकल में चेंज होता है, जिसको कि हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। ग्राफियन सेकेंडरी ओसाइट एक नई मेम्ब्रेन जोना पेलुसिडा भी अपने चारों ओर डेवलप करता है। अब सेकेंडरी ओसाइट स्टार्ट इट्स सेकेंड मियोटिक डिवीजन बट इट इज सस्पेंडेड इन मेटाफेज टू अंटिल स्पर्म्स एंटर इन इट। अब जो सेकेंडरी ओसाइट है वो सेकेंड मियोटिक डिवीजन में जाएगा लेकिन उसी में रुक जाएगा जब तक कि स्पर्म की एंट्री नहीं होती। जब स्पर्म की एंट्री हो जाएगी तो वो उस स्टेज से फिर आगे उसकी डेवलपमेंट चलेगी। इस स्टेज में हम ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है और सेकेंडरी ओसाइट ओवरी से रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ओजेनेसिस तक कंप्लीट। अब हमारा आएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मेंस्ट्रुअल साइकिल हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।